अभी वो किस चीज में व्यस्त है। अमित से हाय। हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फाइनली हमारा मसाड़ी में जो दूसरा दिन है वो शुरू हो चुका है और एग्जैक्ट अभी 9 o'clock हुआ है। तो अभी मैं उठा हुआ हूँ, तो चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं यहाँ पे। तो मैंने जैसा पहले वाली वीडियो में बोला था कि गांव घूमेंगे, तो यार देखते हैं अभी। तो भाई जो है प्रैक्टिकल के लिए जाएगा, उसका प्रैक्टिकल 2-3 है, तो आज उसका भी लास्ट है, तो आज हो जाएगा प्रैक्टिकल के लिए। तो मे भी हम लोग आज उसके आने के बाद गांव घूम लेंगे, वरना तो हम लोग कल ही घूमेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं कल तक रुकने वाला हूँ। तो चलिए कोई नहीं, तो अभी जल्दी जल्दी हम लोग फ्रेश हो लेते हैं और मुँह धोने वक्त आपसे मिलते हैं, क्योंकि आज हम लोग मुँह धोने के लिए देसी जुगाड़ लगाने वाले हैं। तो चलिए पहले फ्रेश होते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। फाइनली हम लोग रेडी हो चुके हैं। गुड मॉर्निंग बोल दो भाई। गुड मॉर्निंग। तो अभी रेडी हो चुका हूँ, मैंने जैसा आप लोग को बोला था देसी जुगाड़, तो ये रहा, क्योंकि आज हम लोग ब्रश नहीं ले आ पाए थे गांव से। तो ये रहा हमारे देसी जुगाड़ दतुअन। ये नीम का एक डंडी है जिसे हम लोग गांव में मतलब लोग ब्रश करना पसंद करते बहुत ज़्यादा। और चलिए आज इसी से करेंगे। और ये हमारी क्या नाम है हमारे गाय का? धन्नो। ये हमारे धन्नो जो कि सबसे बड़ा धन बजाती है, एग्जैक्ट किसी को भी देख के मारने लगती है, तो इसके पास जाना बड़ा मुश्किल है। और ये देख लीजिए घोड़े की तरह चने चबाते हुए, ये भी मेरी तरह है, सुबह सुबह चना खाना पसंद करते हैं। और इनका कुछ स्टाइल ही अलग है। पहले दो चने को उठाते हैं, उसको फूंकते हैं, गरम करते हैं, फिर मुंह में लेते हैं। हाथ गरम करी ना? ओ हाथ गरम करते, झूठ नहीं। और अभी देख सकते हो, तो यहाँ का भी माहौल देख लीजिए, मतलब पीछे देख रहे हैं ना कितना ज़्यादा मतलब कुहारा गिरा हुआ है, तो फॉग जो है ना बहुत ज़्यादा आज हुआ हुआ है। और एग्जैक्ट अभी मैं कुछ दिख भी नहीं रहा है, तो मैं आपको एक बार पूरा सीन दिखा दूंगा अभी छत पे जाऊंगा तो। और पीछे रहा हमारा जो छत है वो पर देख सकते हो, तो वहाँ पे अभी मैं ब्रश करने के बाद जाऊंगा, तो वहाँ से आपको सारा सीन रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा। तो चलिए पहले ब्रश कर लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। ए फ्यू मिनट्स लेटर। फाइनली अब हम लोग रेडी हो चुके हैं, ब्रेकफास्ट भी हो गया, ब्रश भी हो गया। यार ब्रेकफास्ट करने वक्त मैं इसलिए आपसे नहीं मिला क्योंकि उस वक्त लाइट कटी हुई थी अंदर, और बाहर भी ठंड थी, तो इसलिए मैं बाहर नहीं आया था खाने वक्त। और अभी मैं बाहर हूँ क्योंकि अभी हम लोग अपने भाई के कॉलेज आ रहे हैं, क्योंकि उसको छोड़ना है, क्योंकि उसका आज प्रैक्टिकल है लास्ट, उसका आज भी प्रैक्टिकल है। मेरा तो कल ही खत्म हो गया था, लेकिन उसका 2-3 प्रैक्टिकल है, तो देख सकते हो वो रहा। तो अभी वो किस चीज़ में व्यस्त है। अमित से हाय। सो अभी वो आ ही रहा है, तो उसे मिलवा देता हूँ। तो अभी हम दोनों जाएंगे, हमें भैया लोग भैया हैं वो हमें लेके जाएंगे, हमारी बड़ी फूफा के जो भैया बेटे हैं वो हमें लेके जाएंगे, छोड़ेंगे वहाँ पे कॉलेज। तो एग्जैक्टली मैं उनके साथ ही आ जाऊँगा, क्योंकि ये अपना कॉलेज में जाकर प्रैक्टिकल करेगा, उसके बाद मैं घर आ जाऊँगा। तो घर आने के बाद फिर मिलेंगे, तो आप मिल लीजिए इनसे। तो आज किस चीज़ का प्रैक्टिकल है? फिजिक्स। फिजिक्स तो प्रिपेयर हो ना? ये मुन्ना प्रिपेयर रहते हैं, क्योंकि इन्होंने कल बताया कि ये मतलब अपने कॉलेज में अपने क्लास में एक पहले बंदे थे जिन्होंने सबका आंसर दिया, बाकी सब इनको गुस्से से देख रहे थे कि क्यों दिया। आप लोग सोच सकते हो ना, तो इन पे भी खतरा मंडरा रहा है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, क्योंकि टाइम हो गया। तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा है और एग्जैक्टली हमारी लग भी नहीं है, तो सब लोगों ने पूरा अपना तैयारी कर लिया। तो अभी पहुंचने के बाद मिलते हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग करना बहुत मुश्किल है, ठंड भी बहुत ज़्यादा और आवाज़ भी अब तक नहीं पहुँची। चलिए कॉलेज पहुंचने के बाद आपसे मिलते हैं, वरना घर आने के बाद। पहुँचने के बाद ही आपसे मिलते हैं, क्योंकि ठंड जो है बहुत ज़्यादा है, तो चलने समय रिकॉर्डिंग नहीं करूँगा, आते समय की रिकॉर्डिंग मैंने कर दिया था। चलिए अब घर पहुँचने के बाद आपसे मिलते हैं। हम लोग घर आ चुके हैं, और एग्जैक्टली मैं आज कॉलेज आपको दिखा नहीं पाया ढंग से, क्योंकि हम लोग जल्दबाजी में थे, उसको छोड़ के तुरंत ही निकल गए थे, क्योंकि घर पे भी काम चल रहा है, तो सबका अवेलेबल रहना जरूरी था, तो हम लोग जल्दी आ गए। और एग्जैक्टली मैं रास्ते में भी रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं दिखा पाया क्योंकि मैं बाइक आज खुद चला रहा था, क्योंकि भैया मुझे सिखा रहे थे, तो मैं बाइक रास्ते में एग्जैक्टली मैं खुद चला रहा था, तो इसलिए हम लोग रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए। तो अभी मैं थोड़ी देर पहले ही घर पहुँचाऊँ,
तो चलिए अब थोड़ा नाश्ता पानी कर लेते हैं। और हाँ यार, मैं आपको अभी मतलब दिखाया नहीं सीन जो मैं बोला था कि छत से मैं आपको दिखाऊंगा, तो चलिए अब एक बार पहले छत से देख लेते हैं। एग्जैक्टली अभी तो धूप आ चुका है लेकिन अभी भी धुंध जैसा माहौल है, तो चलो पहले छत से आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। तो एग्जैक्टली हमारी जो रिकॉर्डिंग है वो कम्प्लीट हो चुके हैं, तो मैंने आपको इससे पहले ही सीन में दिखा दिया है कि सारा चीज़ आपको दिखा दिया। और अभी आप लोग देख रहे होगे कि अभी भी जो धुंध जैसा माहौल है, और पीछे भी आप देख सकते हो अभी धुंध जैसा देख सकते हो, पूरा धुंधला धुंधला फॉग है अभी तक। तो यार यहाँ पे क्या है ना कि जैसे मेरे गाँव में था तो वहाँ अभी तक धूप बहुत ज़्यादा तेज़ निकल जाता था, लेकिन यहाँ अभी मैं जब से आऊँ ना तो बहुत ज़्यादा इधर धुंध है, मतलब कोहार जो है बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है। और यहाँ पर ठंड अभी भी लग रही है, तो आप देख सकते हो अभी भी मैंने ये पहना, क्योंकि आप गाँव में अधिकतर देखोगे तो नॉर्मली मैं रहता हूँ, और बाहर तो निकलते समय बहुत ज़्यादा नॉर्मली रहता था, तो यहाँ पर अभी ठंड है इसलिए नहीं हूँ। और चलिए अभी हम लोग कॉलेज से आए हैं, तो चलिए थोड़ा नाश्ता पानी करेंगे अभी, और उसके बाद देखते हैं क्या क्या करने वाले हैं। तो अभी ज़्यादा नहीं मिलेंगे क्योंकि अभी तो भाई जब तक आता नहीं उससे पहले हम लोग कुछ कर भी नहीं पाएंगे। और हाँ यार, मैं थोड़ा बता दूँ कि देखो जिन भैया के साथ हम लोग आ रहे थे वो एग्जैक्ट अभी बिजी थे इस घर के कामों के लिए। आप देख सकते हो जो पीछे घर है कंस्ट्रक्शन एरिया में बन रहा है, अभी दिख रहा होगा आपको, शायद पीछे दिख गया होगा वहाँ लकड़ी उकड़ी जो है। तो यार एग्जैक्टली क्या है ना कि उनको काम के लिए हाथ बटाना था, तो इसलिए अभी तक हम लोग जल्दी वो आ गए हम लोग को लेकर, इसलिए मैं वहाँ पर मतलब रिकॉर्डिंग ज़्यादा नहीं कर पाया। तो चलिए कोई नहीं, अब पहले नाश्ता पानी हो जाए उसके बाद देखते हैं, तो आपसे मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली दोस्त 30 हो चुका है, और अभी मैं सो ही रहा था और मेरा भाई अभी प्रैक्टिकल देकर आया। आप देख सकते हो अभी चार्ज लगा रहा फ़ोन, इसका फ़ोन डिस्चार्ज हो गया, और अभी तक हम लोगों ने खाना पीना नहीं किया था, तो हम लोग खाने बैठेंगे। तो चलिए पहले वहाँ बैठते हैं, उसके बाद आपको एक बार खाना पीना दिखा देते हैं यहाँ का, और फिर आपसे एक बार खाने पीने के बाद मिलेंगे। तो चलिए पहले खाने पीने के लिए तैयारी हो रही है, तो उसके बाद बैठेंगे जैसे ही खाने के लिए, तब आपसे मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं हम लोग का खाना जो है निकल चुका है, तो हम दोनों एक साथ खा रहे हैं, हम दोनों भाई बैठकर साथ ही में है, तो प्लेट अलग अलग है, और आप वैरायटी भी देख सकते हो, बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी है, और ख़ासकर आप ये प्लेट देख सकते हो हॉट सेप, तो अपनी गर्लफ्रेंड्स को किसी को देने के लिए इस प्लेट में सबसे बेस्ट है, बाकी आपके ऊपर है। तो चलिए, सो फ्रेंड्स देख सकते हैं हम दोनों एक साथ बैठे हुए हैं, तो अभी इनका प्रैक्टिकल पूछ लेते हैं, कैसा गया प्रैक्टिकल आज का? बहुत बेकार। तो बहुत एक चीज बोल नहीं तो चंद से मारेंगे, तो इनका प्रैक्टिकल ही बेस्ट गया हुआ है, और इनको लेने हम लोग नहीं गए थे आज क्योंकि ये खुद आए हैं। सो मेरा एक सवाल है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ बताइए, और नहीं आएगा तो सब्सक्राइब करना पड़ जाएगा, और आ गया तो मत कीजिएगा। नो भाई, कमेंट में बताइएगा इनके क्वेश्चन का जवाब, और बाकी तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछते रहेंगे, अभी बहुत टाइम है। और चलिए खा पी के आज आपको हम लोग थोड़ी खेती के बारे में दिखाएंगे। एक और बात बताते हैं कि एनडीए का अभी फॉर्म निकला है, और जिनका हाँ, जो 16 से 19 के बीच है वो एनडीए का फॉर्म भर सकते हैं, सेंटर केवल एक प्लेस चुने के आएगा, लेकिन एडमिट कार्ड 1 महीने बाद आएगा, और लास्ट डेट है 19 जनवरी तक। तो जिसको एनडीए का मतलब तैयारी जो कर रहा है, और जिसको फॉर्म भर रहा है, एयरफोर्स भी एग्जैक्टली निकल चुका है, तो जिसको फॉर्म भरना है वो जल्दी भर ले, और बाकी चले हम लोग खाने के बाद आपसे मिलते हैं, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा खेती के बारे में दिखाया जाएगा। पहले हम लोगों ने खाना पीना जो था ये हो गया है, और अभी हम लोगों ने यहाँ पे देख सकते हो बर्तन उर्तन सारा चीज़, और यही पे हम लोग नहाना पहना भी होता है, अभी नहाया नहीं क्योंकि हवा चल रहा है, और यही पे हम लोग नहाते हैं, यहाँ पे मोटर चलता है, और यहाँ से डायरेक्ट बाल्टी बाल्टी नहाते हैं, या उसके अंदर भी डूब जाते हैं हम लोग, मतलब उसके अंदर छलांग लगा लेते हैं, पर कभी कभी, हमेशा नहीं, क्योंकि पानी ज़्यादा गंदा हो जाता है क्योंकि बाहर लोग नहाते हैं। और अभी हम लोग थोड़ा खेत घूमेंगे, मतलब खेत नहीं, हल्का सा यहाँ पे बगान टाइप किया गया है नॉर्मल टाइप में, तो हम लोग यहाँ पे आके देखेंगे क्या क्या है क्या नहीं है, और अमित बताएगा सारा चीज़। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी आप लोग देख सकते हो कि अभी तो बहुत चीज़ को कटिंग हो चुका है, और यहाँ पे ये किस चीज़ का साग है, घास है, सॉरी बरसिंग, और पास आके बताइए, तो ये मतलब बरसिंग किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? गाय खाने के लिए घास जो होता है ना, गाय भैंस जिनको भी खाने के लिए, जो वेजिटेबल खाना पसंद करते, नहीं ग्रास वेजिटेबल का, सॉरी हाँ सॉरी सॉरी घास जो खाना पसंद करते ग्रीन, तो उनके लिए सब लगाया गया, और एग्जैक्टली हाँ खिलाया जाता है वो गाय को चारा एक तरह का कह सकते हैं। और ये देख सकते हैं ये आप लोग धनिया, तो ये अभी धनिया मतलब फिलहाल में लगा, तो इसलिए अभी इतना नहीं हुआ है, लेकिन नॉर्मली ग्रोथ जो है इसका हो चुका है, और ये साइड से आप देख सकते हो जो लाइन से लगा हुआ है वो सारा ये मूली है, और इसके अंदर क्या है, बथुआ का यार, ये एक तरह का बथुआ साग ही है ना,
तो इसे सागी कहते हैं, लेकिन एग्जैक्ट इसके बारे में पता नहीं, इसका दाल बनता है। और अब देख सकते हो पूरा लगाया गया, तो ये नए में ही है। और साइड साइड में जो भी आपको ये मोटा मोटा ये जो लेयर गया है ना, इन सब में मूली लगाया गया है। और इधर में आप देख सकते हो नॉर्मली ये सब लहसुन है, तो इसको मैं एग्जैक्टली आपको दिखा देता हूँ, तो आप लोग देख सकते हो। तो ये सब लहसुन है, और बाकी ये क्या है अमित, इसमें जो राख छिड़का हुआ है, किसी चीज का बिया हुआ डाला है, करेले वरेले का जो बिया है, क्योंकि राख से अच्छा ग्रोथ हो जाता है। और करेले का नहीं। और ये मूली आप देख सकते हैं, और ये है जो मतलब पानी इसमें डाला जा रहा है, अभी इसे पटाया जा रहा है, मटर। और इसमें भी शायद बथुआ है ना अमित? तो इसमें भी एग्जैक्टली बथुआ है। और ये साइड में आप देख सकते हो ये तोरी है, क्या कहते हैं इसको, तोरी, सॉरी दोस्तों सरसों। तो अभी तो यार सरसों की खेती हो रही थी, आप चारों साइड देख सकते हो सरसों ही सरसों है। और बाकी अभी हमें अमित ले जाएंगे और बताएंगे, तो आइए चलिए चलते हैं। और ये फ्रेंड्स देख सकते हो ये सारा जो प्लांट है ये भंटा का है, और टमाटर भी यहाँ पे मौजूद है, आप लोग देख सकते हो। और ये नॉर्मली आप देखिए, तो ये पके नहीं है नॉर्मली, और ये देख सकते हैं भंटा, तो इसके बारे में अभी आपको पता होगा। तो मैं यहाँ पे अभी हिंदी में सारा चीज़ बता रहा हूँ, लेकिन एग्जैक्ट आप देख कर समझ सकते हो कि ये एग्जैक्टली किस चीज़ का प्लांट है। तो यहाँ पे भी देख सकते हो भंटा ये सब हुआ, और ये रहा टमाटर। तो एग्जैक्ट अभी टमाटर जो है नॉर्मली में अभी पके नहीं है ढंग से, तो आप देखिए ये रहा, तो पके नहीं अभी तक। तो चलिए कोई नहीं, सब्जी बनाने के लिए, तो सब्जी बनाने के लिए एग्जैक्ट ये सही है। एग्जैक्ट अभी मैंने आपको नॉर्मली जो खेत था वो दिखाया था, और अभी हम लोग आए हैं जो नॉर्मली गार्डनिंग टाइप किया गया है, जो घर के पास में छोटा मोटा गार्डनिंग करते हैं उसके लिए यहाँ पे। और आप लोग देख सकते हो ये रहा गोभी सोभी है, तो ये गोभी के बारे में आप देख लीजिए, प्लांट जो है गोभी का है। तो यह नॉर्मली वेजिटेरियन का जो मतलब वेजिटेबल का प्लांट होता है बहुत ज़्यादा लगाया जाता है। और यहाँ पे भी आपको धनिया उनिया मिल जाएगा, एग्जैक्टली आपको दिखेगा नहीं। और ये आप पेड़ देख सकते हो, ये है नींबू का, और एग्जैक्टली ये जो नींबू है ये पक गया है, लेकिन अभी इसको हम लोग तोड़ नहीं सकते। और साइड साइड में आप लोग देख ही सकते हो, तो आइए एक बार बैठ के दिखाते हैं। तो ये रहा मतलब गोभी का प्लांट, आप लोग देख सकते हो गोभी है, और एग्जैक्टली ये देखिए, तो एग्जैक्टली आप देख लीजिए। तो मे भी आपको दिख गया होगा, नहीं तो मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ। तो ये रहा गोभी, और बाकी ये नींबू का प्लांट है, तो हम लोग इसको मतलब अभी खाना पसंद करेंगे, लेकिन यार इसके लिए घुसना पड़ेगा। चलिए कोई नहीं, बाकी तो ये देखिए मैंने जैसा बताया था चारों साइड से सरसों ही सरसों है। और ये रहा हम लोग का भी नॉर्मली घर, तो मतलब घर के सामने जो गार्डनिंग यहाँ पे नॉर्मली किया जाता है। और पीछे अगर आप ध्यान से देखिएगा, अगर आपको नज़र आएगा तो बहुत सारे पेड़ भी हैं, अभी प्लांट्स का भी है, फ्लावर्स का पेड़ है, लेकिन वो दिख नहीं रहा होगा एग्जैक्टली। तो चलिए कोई नहीं, अभी हम लोग को अमित कहीं घूमने के लिए ले जाएंगे जहाँ पे क्रिकेट मैच चल रहा है। कहाँ चल रहा है अमित? मील। तो एग्जैक्टली आप लोग को मील तो पता ही होगा, लेकिन जो मील है वो फील्ड कहा जाता है। मील फील्ड एग्जैक्टली इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो जो फील्ड था वो पहले मील था, लेकिन वो बंद हो चुका है। नहीं, कुछ ब्लास्ट ब्लास्ट हुआ था उसके अंदर, किस सिलेंडर ब्लास्ट ब्लास्ट हुआ होगा कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से। एग्जैक्टली मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि पहले बार जो भैया थे उन्होंने बोला था कि कुछ मील में ब्लास्टिंग हुआ था, लेकिन अमित के दौरान कहना है कि नहीं कुछ और हुआ था। तो एग्जैक्ट हम लोग कुछ कह नहीं सकते, तो चलिए वहाँ मील पर चलते हैं, वहाँ लोग क्रिकेट खेलने के लिए आए होंगे, तो वहाँ पर भी हम लोग जाएंगे आज। तो चलिए चलने से रास्ते में आपसे मिलते हैं एक बार। नहीं, हमारा जो यार मील का जो प्लानिंग था वो कैंसिल हो चुका है क्योंकि वहाँ पे कोई बंदे आया नहीं है आज, तो आज हम लोग मील पे नहीं जाएंगे। एग्जैक्ट हम लोग कल निकलेंगे मील पे। तो आज हम लोग मंदिर घूमने आए, जो हमें अमित घुमाने आया है। तो मंदिर से पहले हम लोग रास्ते में देखिए बहुत सारे मतलब यहाँ पे एक साथ मिलेंगे मंदिर के, जैसे भगवान जो है। और यहाँ पे जैसे पहला जो ये रहा, तो ये कौन से बाबा है? भगत बाबा। एग्जैक्टली पता नहीं नाम यहाँ रखा गया। और ये हमारे गाँव का जो है चौथा पॉन्ड, आप देख सकते हो मंदिर के पास में ही है। और यहाँ से पौंड आप देख सकते हो, बहुत ही बेस्ट पौंड। और यहाँ केले का पेड़ है, लेकिन केला यहाँ पे तोड़ना अलाउड ना नहीं है, तो चलिए कोई नहीं। और ये रहा हमारा भाई, हेलो। और ये हमें आज घुमाने वाले यहाँ के मंदिर। तो हम लोग अगर बाहर से आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं जो ऑरेंज कलर में है, ये हमारा मंदिर है। तो चलिए मंदिर के अंदर यहाँ जाएंगे और उसके बाद आपसे मिलते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग मंदिर के पास आ चुके हैं, और ये हमारा दूसरा मंदिर था। एग्जैक्ट इससे पहले मैंने आप लोगों को दिखाया था, तो नॉर्मल था, वो रोडों पे मिल जाता। और ये हमारा पहला मंदिर है जो बड़ा में है, और ये शिव जी का मंदिर है। तो चलिए हम इसके अंदर अभी चलेंगे और उसके बाद आप लोगों को हर चीज़ दिखाएंगे। तो अमित जी चलिए, तो पहले आप चलिए। हाँ, तो ये रहे हमारे अमित जी घुस गए हैं। और यहाँ पे यार हम लोग को एग्जैक्टली झुक कर जाना पड़ेगा, एक सेकेंड। तो हम लोग आ चुके हैं। तो ये देखिए हमारा ये रहा मेन मंदिर, और ये जो है पूजा वूजा होता है, तो जो भीड़ होती है यहाँ पीछे बैठने के लिए भी दिया हुआ है। और एग्जैक्ट आप देख सकते हो साइड में मंदिर। तो चलिए हम लोग अभी चलेंगे और यहाँ पे आपको हर चीज़ आपको एक एक करके दिखाएंगे। तो ये आप लोग देख सकते हो, ये किसका पेड़ है? पीपल का। और ये भगवान एग्जैक्टली देखे जाए तो शिव जी, राइट?
पार्वती जी, और पार्वती जी साथ में है, और यहाँ पे मतलब पूरा छोटा सा नॉर्मली रखा जाता है। और यहाँ के साइड में अगर आप देखिएगा ना, तो ये रहा हवन कुंड। तो यहाँ नॉर्मली छोटे मोटे जो हवन होता है यहीं पे होता है। और अगर कहीं भी मतलब पानी उनी जो स्वच्छ पानी, जो साफ़ सुथरा पानी होता है वो चाहिए, या फूल पौधा, तो आप साइड में देख सकते हैं गार्डनिंग का जो होता है। अभी तो सूखा हुआ है, लेकिन यह एग्जैक्ट टाइम के साथ जैसे जैसे आता है यहाँ पे मिल जाएगा। और अलबेरा, तो तुम्हें क्या कहना अलबेरा का? और ये रहा हम लोग मंदिर के अंदर, अब एंट्री कर रहे हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे मतलब घोंसला वोसला, तो यहाँ साफ सफाई उतना हो नहीं रहा एग्जैक्टली। और ये आप देख सकते हो, तो इनको तो आप जानते होंगे नंदी जी को, तो एग्जैक्टली मैं आपको जूम करके थोड़ा पास से दिखाऊं। तो ये हमारे नंदी जी, और एग्जैक्ट अगर आप अंदर देखिएगा तो आपको मिल जाए। तो ये लॉक है, तो हम इसके अंदर भी नहीं जाएंगे क्योंकि वो अच्छा नहीं है। बाकी हम लोग दूर से पूजा वूजा हो गया है तो, और अब हम लोग चलते हैं। और बाहर आइएगा तो आप देखिए, यहीं से आपको ये पॉन्ड है आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे अगर किसी चीज़ को मतलब फेंकना उकना होता है, जैसे फूल पौधा जब पूजा होने के बाद फेंका जाता है तो इसी के अंदर डाल दिया जाता है, दहन करना उसे कहते हैं। और बाकी ये सब नॉर्मली है, और यहाँ पे आपको और कुछ नहीं देखने को मिलेगा। यही हमारा मंदिर था फ्रेंड्स। और ये हाँ, तो ये जब भी कोई पूजा हो जाता है, जैसे सरस्वती पूजा हो गया, तो यहाँ पे मूर्ति आके रखा जाता है कोई एक्स्ट्रा, मतलब कि एक एक दिन या दो दिन के लिए, जैसे होता दुर्गा पूजा ये सब, तो उस वक्त हम लोग यहाँ पे मंदिर का जो मूर्ति होता है यहाँ पे रखा जाता है। और बाकी जो भीड़ का जो भी खाना पीना होता है, मैंने जैसा बताया था, यहाँ पे होता है। और अब चले यार हम लोग दूसरा मंदिर जाएंगे, जो है कि हनुमान जी का। तो हनुमान जी का भी मंदिर मैंने पास में है, आपको चलिए वहाँ पे चलने के बाद आपको दिखाते हैं। तो मंदिर के पास पूरा दिखाने के बाद ही आपसे एक बार मिलूंगा, उससे पहले आपको बस मंदिर दिखाऊंगा और बताऊंगा उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, हम लोग मंदिर के ऊपर आ चुके हैं, हनुमान जी का मंदिर है। तो एग्जैक्टली आप लोग देख सकते हो, ये रहा नीचे सीढ़ियाँ, और एग्जैक्ट हम लोग ऊपर ही आए थे। तो ये पूरा सीन है मंदिर का, तो देख सकते हो ये पूरा मंदिर का सीन है। ऊपर मतलब चित्रकारी, मतलब मूर्ति टाइप थोड़ा बनाया गया, फोटो वोटो है। और यहाँ पे आपको देख लीजिए, ये थोड़ा मंदिर है, यहाँ पे इसको लॉक किया है क्योंकि अभी अंदर जाना अलाउ जल्दी नहीं होता है। और बारीकी से चलिए आपको मैं पहले मंदिर दिखाता हूँ, उसके बारे में भी नॉर्मली चीज़ बताता रहता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये हमारा एंट्रेंस, यहाँ सब लोग मंदिरों में आते हैं क्योंकि इसे आगे आप कहीं भी एंट्री नहीं कर सकते क्योंकि ऊंचाई पे एक तरह का छत टाइप में। और ये आप लोग घंटियाँ तो देख सकते हो चारों साइड से पूरा है। और ये रहा इसका ऊपर का मेन जो है, ये रहा। और ये देखिए चारों साइड से घेरा गया कि कोई बच्चा अगर मंदिर में जब भीड़ उड़ होता है तो कोई गिरे ना। और एग्जैक्ट यहाँ पे हम लोग आते हैं तो ये देखिए दान पेटी यहाँ पे रह जाता है। और बाकी यहाँ पे आपको चलिए हम लोग एक चीज़ दिखाते हैं, बंदर। तो एग्जैक्ट आप लोग इसके बारे में जानते होंगे। तो ये रहा बंदर, तो चलिए इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं। और ये अभी उतर रहा है, यस। तो अभी आप लोग देख सकते हो, तो चलिए कोई नहीं। तो मैं अभी आपको थोड़ा मंदिर के बारे में रिकॉर्डिंग बाद में इसका। तो ये देखिए यहाँ पे मतलब ये पूरा मतलब एक राउंडिंग के लिए, तो यहाँ सब राउंडिंग हो जाएगा। और पीछे पूरा जग जंगली एरिया है। और आप ये एक देख लीजिए बंदर को भी, मतलब ये थोड़े खाना खाने में बिजी है, इनको खाना दिया गया अभी, तो वो तो अभी बिजी रहेंगे खाना खाने में। और ऊपर में एक और एग्जैक्टली आप देख सकते हो, तो एक सेकेंड अभी तक कैप्चर नहीं हुआ है, एक सेकेंड। हाँ, तो ये देखिए, तो फिलहाल हो चुका है। और अब चलिए थोड़ा मंदिर के बारे में एक्स्ट्रा बात। तो ये अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको कुछ दिख रहा होगा, ये दोहा, मतलब कि पूरे दीवार पे सारा श्री राम का महिमा, आरती, हनुमान आरती, मतलब जितने भी चालीसा ये सब है, ये सारे चीज़ इसके ऊपर लिखा गया। आप ध्यान से अगर पढ़ते हो तो पूरे दीवारों पर आप देखिए, यहाँ किसी का भी दीवार छोड़ा नहीं गया है, सारे यहाँ से मतलब लिखा गया है। और एग्जैक्ट बाकी तो आप लोग देख ही सकते हो, आप लोगों ने सारा मंदिर का सीन देख लिया। तो मतलब यहाँ पे देखिए, अगर किसी को भी मतलब कुछ याद ना हो या मतलब कुछ पूजा करने के लिए अगर आपको उनको पढ़ना भी हो, तो यहाँ पे सारा चीज़ जो दीवार पे है ना, बारीकी से मतलब ये देखिए लिखा गया, सारा चालीसा जो है ये श्री राम जी का है, पूरा चीज़ देखिए लिखा गया। तो एग्जैक्टली हिंदी में लिखा हुआ, अगर आपको लग रहा होगा कि अगर हिंदी में नहीं है तो ये हिंदी में है। और अभी तो हमारे साथ अभी बंदर भी था, तो बंदर का आप लोग देख नहीं सकते, तो उसको चली वहाँ नहीं है। तो अमित जी अभी बड़ी मुश्किल से बचे क्योंकि बंदर ने इन पे तो अटैक कर ही दिया था, लेकिन चला गया। और अमित जी अभी डरे हुए हैं, देख लीजिए। तो बाहुबली बंदर, तो अभी बंदर जा रहे थे तो ये पूरा बाहुबली हो गए थे। तो यार यहाँ के मतलब, तो एग्जैक्ट यहाँ के मंदिरों के जो दीवार है, देखिए ये जो चीज़ें हैं ना, इसके ऊपर भी लिखा रहता है, मतलब यहाँ के हर चीज़ पे मतलब भगवानों का पूरा चीज़ जो होता है कलाकृति लिखी रहती है। और अगर ऊपर से ध्यान से देखिए तो ये मंदिरों का देखिए सरफेस जो बहुत ज़्यादा तगड़ा बनाया रहता है। और मैं आपको कुछ और बाहरी इलाका दिखा दूँ, तो ये देखिए यहाँ पे सारा मतलब मंदिर में जो पंडित जी है रहने के लिए, पंडितों के लिए रहने के लिए जगह है। और एग्जैक्ट अगर आप थोड़ी देर बाहर आइएगा तो ये पूरा जो एरिया है ना, ये जंगली एरिया है। तो यहाँ पे मैं आपको चलिए एक बार पूरा अच्छे से दिखा दूँ, तो ये आप देख सकते हो। तो ये पीछे जो है मतलब एक गढ़ा टाइप है, वहाँ पे पानी नहीं है, लेकिन यहाँ पे जाना पसंद नहीं करते क्योंकि डेंजर एरिया में आता है। और बाकी ये फॉरेस्ट टाइप इलाका, और आगे भी खेती होती होती है, तो इतना हम लोग घूमे नहीं। हम लोग दो ही मंदिर घूमने आए थे, तो ये कि मैं आपको यही दो मंदिर घुमाने आया था और बाकी कुछ नहीं।
और बाकी तो यहाँ पे और कुछ है नहीं। और अमित जी अभी भी देख लीजिए बंदरों के साथ लगे हुए हैं, तो वो अपने पोज में ही अपने रहते हैं मस्त, कोई नहीं। और अभी हम लोग भी थोड़ा फोटो शूट कर लेते हैं कि इस थंबनेल के लिए मिल जाए, जो बेस्ट थंबनेल रहेगा उसे हम लगा देंगे। तो चलिए थोड़ा फोटो शूटिंग भी कर लेते हैं, और फोटो जो भी देखना होगा ना आपको, तो वो जो है आपको मिल जाएगा हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे, तो उसको फॉलो कीजिए। वहाँ पे आपको इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा। और साथ ही साथ अमित जी कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहें अगर नॉलेज के हिसाब से, तो चलिए अमित जी से मिलते हैं और वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। तो आप देखिए उसको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर कीजिएगा। और उससे पहले भी इन्होंने कुछ बताया था, अगर याद ना हो तो ये दोबारा बता देंगे। दो फॉर्म निकला, तो किस चीज़ के बारे में निकला? मेरी बहुत सारे फॉर्म निकला, आप www.sarkari.jobs पे जाकर सर्च कर सकते हैं। और अभी फिलहाल मैंने भरा है तो NDA क्या था और एक्स वाई ग्रुप का भी निकल चुका है। हाँ, तो एक्जैक्टली अगर एक्स वाई ग्रुप अगर आपको ना पता हो तो ये एयरफोर्स का है, और बाकी इन्होंने NDA का भी भरा, तो आपको वो दोनों फॉर्म जो है मिल जाएगा। और लास्ट डेट कब तक है? 19 जनवरी। तो 19 जनवरी तक इसका लास्ट डेट है। बाकी लोग आप लोग देख सकते हो पीछे लोग आ रहे हैं, तो ये पूजा करने का जो टाइमिंग वो स्टार्ट हो चुका है। और बाकी आप लोग यहाँ से निकलें क्योंकि यहाँ पे बंदरों का भीड़ भी ज़्यादा आ रहा है, तो ये डेंजर इलाका है हमारे लिए भी। तो चलिए हम लोग अब रास्ते में आपसे एक बार मिलते हैं। हम लोग बाहर आ चुके हैं और इनके साथ जो हादसा हुआ, थोड़ा इनकी भी कहानी सुना दीजिए, क्या हुआ था बताइए। वो मैंने हाथ दिखाया उसको कि जैसे मैं कुछ दे रहा हूँ, वो आया बहुत और अचानक से वो इशारा भी किया, लेकिन मुझे बुरा लग रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं था देने के लिए, लेकिन कुछ देने के लिए नहीं था, इनका लेने वाला था। एग्जैक्टली ये आप सोच सकते हो। और पीछे मंदिर था, और मैंने एग्जैक्ट आपको मंदिर के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताना भूल गया। तो उनकी जो सीढ़ियाँ जो थी वहाँ पे, तो वहाँ पे यार सिक्कों से कलाकृति की थी जो मैंने आपको दिखा नहीं सका। कोई नहीं, अगर नेक्स्ट टाइम कभी हम लोग आते हैं तो आपको दिखाएंगे। और बाकी तो यहाँ पे सब चीज़ वही है। तो चलिए अब घर चलते हैं, तब मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड्स, फाइनली अब हम लोग घर आ चुके हैं। और यार बाहर इतनी ज़्यादा ही ठंड थी कि मैं आपको बता नहीं सकता, और बहुत लेट भी हम लोग घर आए। एग्जैक्टली हम लोग फ्रेंड के पास चले गए थे, तो वहाँ हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। तो अभी तुरंत हम लोग घर आ रहे हैं, एग्जैक्ट अभी 6 बज रहा है। और यार बाहर इतना ज़्यादा ठंड है कि मैं बता नहीं सकता, और पता नहीं यार मसाड़ी में इतना ज़्यादा ठंड है क्यों, क्योंकि जब मेरे गाँव में जाओगे तो आपको पता है कि 10 o'clock तक यार धूप होती है, और 6 बजे तो कुछ गर्मी, मतलब मैं वहाँ पर ऐसे जैकेट भी नहीं पहनता जल्दी। हाँ एग्जैक्टली क्या होता है, मैं जब पहना रहता हूँ ना तो उस वक्त क्या होता है कि मुझे खोलने का जल्दी मन नहीं करता, जो पहना रहता है उसी पे रहता हूँ। लेकिन यार यहाँ का जो ठंड है ना, मतलब मेरे गांव के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। और ऐसा मुझे लग रहा है कि मतलब यहाँ का ठंड में आपको कुछ बता नहीं सकता कि कितना डिग्री गया होगा, तो मैं अभी तक नापा भी नहीं हूँ डिग्री, तो और इतना किस करना। और अभी यार देखोगे ना, अगर मेरे गाँव में अभी रहते तो वहाँ धुंध कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ पर इतने धुंध भी गिरने लगा है, और हाथ पूरा अभी मतलब अच्छे से काम भी नहीं कर रहा है। और अभी अमित को आप देख सकते हो, हेलो कर लो, तो ये लेट कर अभी WW का मैच देख रहे हैं, और मेरा तो हालत देख ही रहे हो, मैं रजाई हूँ क्योंकि भाई मुझे ठंड, क्योंकि ये थोड़े मतलब एक्सरसाइज कर रहे थे, मेरा वहाँ पे मतलब ऐसे ड्रेसअप था कि मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाया था। और बाकी तो यार आज का पूरा दिन बहुत मज़ेदार भी गया था, और आई नो दैट कि वीडियो आज बहुत ज़्यादा लंबी होगी, लेकिन फिर भी सारा चीज़ बेस्ट ही रहा। तो यार देखो यार, अभी तक तो लाइफ स्टाइल ही बन रहा है, लेकिन अभी नॉर्मली मैं कहीं घूम नहीं रहा, क्योंकि आपको पता है यार नॉर्मली स्टार्टिंग में भीड़ के अंदर ब्लॉगिंग करना थोड़ा अजीब भी लगता है और मन भी नहीं करता, हौसला जो होता था नहीं बन पाता। लेकिन हाँ एक होता है ना कि यार बंदे का एक स्ट्रेंथ वो लेवल चला जाता है कि 1000 सब्सक्राइबर, 10,000 सब्सक्राइबर, 10K, 15, उस वक्त अगर आप भीड़ में करते हो तो उस वक्त आपको कोई रोकने वाला नहीं होता और कोई ना मजाक बनाने वाला, क्योंकि उसके पास रहता है कि हाँ भाई आपका 15K, 1K, 2K है, आप में चैनल के ग्रोथ है इसलिए आप बना रहे। तो अभी यार ग्रोथ नहीं है, और मैं यही चाहता हूँ कि जिस तरह आप लोगों ने 100 सब्सक्राइबर मेरे कंप्लीट करवाए थे उसी तरह थोड़ा सपोर्ट करो, और 1000 सब्सक्राइबर का जो सेकंड गोल है उसे भी कंप्लीट कराओ। तो आज की जो वीडियो यहीं पे समाप्त होगी, क्योंकि अब हम लोग हमेशा की तरह एग्जैक्ट अभी हम लोग पढ़ने बैठेंगे, उसके बाद खाना पीना होगा और नॉर्मली PUBG गेम खेला जाएगा, और उसके बाद हम लोग सो जाएंगे। तो आज का वीडियो जो यहीं पे समाप्त होता है। तो चलिए दोस्तों, मेरा आपसे यही बस एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी चैनल पे नए हो या अभी भी चैनल पे हमेशा वीडियो देख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, देर किस बात की, यार भाई को सपोर्ट दिखाओ, और जितना हो सके उतना दोस्तों को शेयर करो। और बाकी सब तो वही है, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो,
शेयर करो, और जितना हो सके अगर कोई भी आपको लगता है कि नहीं इस बंदे ने यहाँ पे कुछ गलती किया, इसको थोड़ा छोटा बना दिया, उस पर कॉमेंट करो, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। बाकी सब तो वही है, हमेशा वीडियो आती रहेगी, और जब नहीं आए तो उस दिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।